बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं तोरण डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये कितना प्यारा डिज़ाइन है, तो आप लोग ज़रूर बनाएँ। और ये तोरण पट्टी है, अगर आप लोगों को तोरण पट्टी बनाना है, ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगता है, तो इसका लिंक हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना या कमेंट बॉक्स में आप लोग बना लेना। देखिए ये डिज़ाइन भी कितना प्यारा है। वैसे इसका जो पट्टी का डिज़ाइन है ये पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम बना लिए हैं, तो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच वाले में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। उसके बाद में फिर तीन चैन लेंगे। अब यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ हम चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दस। अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, इतना बड़ा। ये नौ वाले चैन में हम इसको इस तरह से फंदा लेकर इस तरह से बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात। आप अगर और मोटा चाहिए तो और बना लें, सात बार हम लिए हैं फंदा, तो आप आठ नौ बार दस बार पंद्रह बार ले सकते हैं। एक बन गया, अभी हम फिर से दो चैन लेंगे, और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह से। ये हो गया है। अब ये हम चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चैन लेकर फिर यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः छः वाले में हम बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः छोड़ देंगे, सात वाले में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ बनेगा चार डबल क्रोशिया, देखिए। फिर हम दस चैन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फिर हम बड़ा करेंगे ये फंदा, एक दो तीन चार पाँच छः सात जिस तरह से हम यहाँ बनाए हैं उसी तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं। और ये पूरा जो है आधा ये
यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने ये बना लिया है, ये छः बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 अभी यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 3 चैन बनाएंगे, 2 3 को घुमाएंगे, और यहाँ जो डबल क्रोशिया के बीच वाला हिस्सा है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह, फिर ये दूसरे वाले में, और फिर उसी में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। अब ये हो गया है 6 डबल क्रोशिया, नीचे 4 था ऊपर 6 है। 6 डबल क्रोशिया के बाद अब हम चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब इसको हम फंदा बड़ा करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ वर्क बना लिए हैं। अब हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको लॉक कर देंगे इस तरह से, ये सिंगल क्रोशिया है इस तरह से, और फिर हम एक पफ बनाएंगे, इसको कोई गुल्ली बोलता है कोई पफ बोलता है, 2 चैन लेकर ये जो फर्स्ट वाला चैन है इसी में हम फिर से इस तरह बनाएंगे, तीन चार पाँच छः सात, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आप चैन में गलती हो जाए गिनने में तो इस तरह से नाप भी सकते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ इसमें ये बीच वाला इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो इसमें बनाएंगे, दो इसमें बनाएंगे, और ये इसमें बनाएंगे, इस तरह से ये बना है और इस तरह से ये बना है। तो इसी तरह से हम पूरा बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है, अब हम फिर से यहाँ चैन लेंगे तरह से, 1 2 3 और घुमा कर ये जो बीच वाला हिस्सा इसी में हमें बनाना है। देखिए तो जितना ये गैप है उसी में दो दो बार, हर गैप में दो बार दो डबल क्रोशिया करना है। देखिए 2 हो गया, इसमें हम 2 करेंगे तो ये पूरा 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा। पहले 4 था नीचे, फिर 6, इस बार हम 10 बनाएंगे। देखिए 10 डबल क्रोशिया हो गया, हर गैप में 2-2 डबल क्रोशिया है, और फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेकर फंदा बड़ा करके इस तरह से हमें बनाना है। ये दो
तीन चार पाँच छः इस तरह से, फिर सीधा करके इसी में हम फिर से सिंगल क्रोशिया से फिर जोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक इस तरह से बनाएंगे, एक पफ बना के फिर चैन लेंगे और यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम काट देंगे। ये और ये जो है इस तरह वाला, ये वाला डिजाइन जो है इसमें हम ये रेड वाले मून से हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। देखिए आगे हम किस तरह से बनाते हैं। ये वाला हम छोड़ देंगे, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए गांठ लगा के और यहाँ जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। उसके बाद में 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 चैन लेकर 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है जिस तरह से हम यहाँ नीचे बनाए थे। देखिए नीचे 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, इसी तरह से ऊपर भी रहेगा। फिर एक चैन लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन लेकर इस तरह से फंदा बड़ा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 फिर थोड़ा बड़ा करके फिर हम इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तीन चार पाँच छः सात, इसको हम इस तरह से बंद करेंगे, बंद कर देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यहाँ हम ये वाला भी छोड़ देंगे। यहाँ पर फूल बनेगा डिजाइन। अब हम इसमें ये देखिए इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया, तो ये इसी तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से बनेगा, आप इसी तरह से बनाएं। ये देखिए ये इस तरह से है, यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया है और यहाँ ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से है। इसी तरह से जिस तरह से हम नीचे बनाए हैं उसी तरह से सेम बनाएंगे, लेकिन ये किनारे किनारे एक छूटेगा, एक इधर एक इधर। पहले 1 2 3 4 5 6 था, ये भी 6 था, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 6 होगा, 1 2 3 4 5 ये 6, इसी तरह से 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो आप इसी तरह से बनाएं, बहुत ही आसान डिजाइन है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी हम बना लिए हैं इस तरह से। देखिए यहाँ 1 और 2 ये छूट गया है और इधर भी देखिए इस तरह से ये बना है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, आगे हम दिखाएंगे किस तरह से ये बना है।